धरती की उम्र है करीब 4.5 अरब साल। इसके इतिहास को गढ़ा है एक मुसीबत ने, एक के बाद एक मुसीबत। एस्टेरॉयड और कॉमेट की टक्कर, सूरज के फ्लेयर्स, जीवों का अचानक विलुप्त हो जाना, सुपरनोवा के धमाके, कॉस्मिक रे की बमबारी। हमने झेली हैं तमाम मुसीबतें, हमारा यहाँ होना एक करिश्मा ही है। इन उथल पुथल भरी घटनाओं की वजह से ही धरती पर जीवन है। हम ये मानते हैं कि मुसीबतें बुरी चीज हैं, पर उथल पुथल के बीच ही संभावनाएं निकलती हैं। जब हम किसी चीज को तबाह करते हैं तो कुछ नया भी रच सकते हैं। धरती उस लकीर पर चलती है जहाँ है बचे रहना और तबाही। यहाँ सारा का सारा खेल इस बात का है कि एक अच्छी मुसीबत आएगी या एक बुरी मुसीबत आएगी। क्या मुसीबत और अफरा तफरी जीवन के जरूरी तत्व हैं? विज्ञान शो पेश करता है डार्क हिस्ट्री ऑफ अर्थ। साल 2021, साइंटिस्ट को धरती के बहुत भीतर दबा हुआ कुछ रहस्यमय सा नजर आया। ये हमारे तबाही भरे अतीत का छिपा हुआ पुराना सबूत था। धरती की सतह के करीब 1800 किलोमीटर नीचे कोर है जो पिघली हुई चट्टानों से घिरा है। इसके अंदर 260 किलोमीटर ऊंचे और हजारों किलोमीटर चौड़े दो घने इलाके हैं जिन्होंने धरती के कोर को दोनों हाथों की तरह घेर रखा है। उनमें से एक का आकार है ऑस्ट्रेलिया के बराबर, तो नीचे दो बड़े बड़े टीले जैसे हैं। उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था, ये एक रहस्य ही है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को सतह से करीब 1600 किलोमीटर नीचे मौजूद चट्टानों को जांचना होगा। हमें नहीं पता कि कोर में मौजूद ये दो विशाल चट्टानें किस चीज की बनी हुई हैं, पर हम इनके कुछ नमूने जमा कर पाए। ये कैसे मुमकिन हो पाए हैं? ये दो चट्टानें मैंटल से निकलकर ऊपर आने वाली फ्लूम्स को फीड करती हैं। मिसाल के लिए समाओ और आइसलैंड के ज्वालामुखी मेटल से इन चट्टानों के कुछ टुकड़ों को बाहर निकालते हैं। इतनी गहरी चट्टान की जांच करने का ये हमारे लिए एक बेशकीमती मौका है। ये चट्टानें पुरानी हैं, बहुत पुरानी। पता चला है कि लावा में मौजूद चट्टानों के ये नमूने जो हमारे हिसाब से मेंटल से निकलते हैं करीब 4.5 अरब साल पुराने हैं, यानी धरती की उम्र जितने पुराने। तो इससे पता चलता है कि जब धरती के शुरुआती दिन रहे होंगे तो उसका अंदरूनी ढांचा किस तरह से बना होगा। उस समय के नमूने अगर हमें मिल रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इन चट्टानों की उम्र इनकी शुरुआत का एक सुराग दे सकती है। ये उस समय की चट्टानें हैं जब एक विशाल कॉस्मिक मुसीबत आई हुई थी। साढ़े 4 अरब साल पहले सोलर सिस्टम में एक बहुत ही उथल पुथल भरी जगह थी। ग्रहों का बनना अब खत्म हो रहा था और धरती अभी भी बनती ही जा रही थी। उस समय में आप धरती को पहचान नहीं सकते थे, वो पहचानने जैसी थी ही नहीं। मिसाल के लिए तब चांद नहीं था, जब पृथ्वी बनी तो चांद कहीं भी नहीं था। नई बनी धरती बाकी नए बने ग्रहों के साथ सूरज का चक्कर काटती थी। इनमें से एक को साइंटिस्ट थिया कहते हैं और ये धरती से टकराने के लिए चला आ रहा था। थिया का पृथ्वी से टकराना एक शानदार नजारा रहा होगा। सोलर सिस्टम के बनने के दौरान जो भी घटनाएं हुई उनमें इससे बेहतर नजारा कोई दूसरा नहीं रहा होगा। पृथ्वी के इतिहास की यह सबसे बड़ी घटना थी। थिया के टकराने ने धरती को पूरी तरह से नई शक्ल दी थी। थिया से पहले पृथ्वी जैसी थी वो खत्म हो चुकी थी हमेशा के लिए। इस टकराव ने चट्टानों को पिघला दिया और 1 अरब टन मल को आसमान में उछाल दिया। इस शानदार टकराव के दौरान ये दोनों प्लैनेट पूरी तरह से टूट फूट गए थे और आपस में जुड़कर इन्होंने एक विशाल प्लैनेट बना लिया। जब नई पिघली हुई धरती अपना रूप ले रही थी तो थियस के भीम का टुकड़े उससे चिपक गए थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोर में दो विशाल चट्टानें वो कहां से आई होंगी।
वो बहुत ही पुरानी है, उनकी उम्र उतनी है जितनी उस टक्कर की। हो सकता है वो उस थिया के टुकड़े हों। थिया के ये विशाल टुकड़े धरती के भीतर धंसते चले गए और अरबों सालों तक किसी को इनका पता तक नहीं चला। धरती दोनों प्लैनेट्स के मलबे से एक नया रूप ले रही थी। आपको ये लग सकता है कि इस तरह की टक्कर तबाही मचाने वाली रही होगी, पर सच ये है कि टकराव के बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जिन्होंने जीवन की संभावनाओं को बढ़ाया होगा। जब ये दोनों प्लैनेट्स आपस में जुड़े तो थिया की आयन कोर के हिस्से धरती से जुड़ गए। इसका मतलब है कि धरती का कोर पहले जितना रहा होगा अब उससे भी बड़ा हो गया। ये अच्छी खबर थी क्योंकि कोर ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो धरती की हिफाजत करती है। बाहरी कोर में बह रही लिक्विड मेटल ने धरती की मैग्नेटिक फील्ड को बनाया। ये सूरज से बचाने वाला एक सुरक्षा कवच बन गया। असल में सूरज एक ही बार में अरबों टन हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर को तहस नहस कर सकते थे। अगर धरती की एक सक्रिय कोर और मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो ये मार्स जैसी दिखती, समझ लीजिए एक बंजर रेगिस्तान की तरह। थिया से जो एक्स्ट्रा आयन मिला उससे धरती की पिघली हुई बाहरी कोर बहुत विशाल हो गई। ये धीरे धीरे ठंडी हो गई पर पिघली बनी रही और ये एक मजबूत मैग्नेटिक शील्ड तैयार करती चली गई। इस टकराव की वजह से उस एक्स्ट्रा आयन, उस एक्स्ट्रा हीट से धरती सक्रिय बनी रही। उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड था जिसने हमारी हिफाजत की। इसी की वजह से हम ये सारी बातें आज कर पा रहे हैं। इस भयानक घटना ने दूसरे तरीकों से भी जीवन की मदद की। थिया की टक्कर एक बहुत ही विशाल घटना थी। ये ऐसा नहीं था कि 160 किलोमीटर वाले एक एस्टेरॉयड ने रेगिस्तान में एक विशाल क्रेटर बना दिया हो, पर यहाँ एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकरा रहा था जिसके मलबे की एक बहुत बड़ी डिस्क धरती के ऊपर छा गई थी और इसी मलबे से बना चांद। इस टक्कर के बाद धरती साइड से झुक गई और इसने बहुत तेजी से घूमना शुरू कर दिया। अब एक दिन कुछ ही घंटों का होने लगा। पृथ्वी अपनी साइड पर थोड़ा सा झुककर घूम रही थी। अगर वो अपनी मर्जी से इस तरह घूमती रहती तो इसका घूमना अनिश्चित होता, बदहवासी से भरा लड़खड़ाते हुए घूमना। क्योंकि मून बन गया था इसलिए उसने धरती को स्थिर किया, हमारे क्लाइमेट को स्थिर किया। मून ने अपनी ग्रेविटी से हमारे समुद्र को खींचना शुरू किया और इससे बने टाइड्स और धरती के घूमने की रफ्तार कम हो गई। अब इस दुनिया में जीवन शुरू हो सकता था। सच ये है कि पृथ्वी चंद्रमा और थिया की शुक्रगुजार रहेगी जिसने इसे जीवन की शुरुआत के काबिल बनाया, जीवन यहाँ फल फूल सका। 4.5 अरब साल पहले हुई ये भीषण टक्कर सुनने में एक महामुसीबत लगती है, पर शायद ये धरती के साथ हुई सबसे अच्छी बात थी। थिया, मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ क्योंकि हम इंसान तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। हम संयोग के विज्ञान के भी शुक्रगुजार हैं क्योंकि लाखों टक्करों में से यही एक खुशनसीबी वाली रही। अगर थिया और जोर से टकराता तो हो सकता था कि धरती इस टक्कर से इस तरह उबर नहीं पाती और हम यहाँ इसके बारे में बात करने के लिए जिंदा नहीं होते। अगर इस टक्कर की ताकत कम होती तो उस तरह के बदलाव नहीं आते जो जीवन के विकास के लिए जरूरी थे। हम खुशकिस्मत थे, ज्यादातर ग्रह इस तरह की टक्करों में बचते ही नहीं है, पर यहाँ तो हमें चंद्रमा भी बोनस में मिला है। थिया से धरती की विशाल टक्कर धरती पर मंडराया पहला खतरा नहीं था। इससे पहले एक धमाका हुआ था जो सोलर सिस्टम में जीवन खिलने से रोक सकता था और हमारी धरती तो बन ही नहीं पाती। सुपरनोवा यूनिवर्स की सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली घटनाएं होती हैं। इसमें एक सेकंड में इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी सूरज अपनी पूरी जिंदगी में निकालेगा। पर सुपरनोवा ने हमारा सफाया नहीं किया बल्कि उसकी वजह से ही सोलर सिस्टम बना होगा। 4.6 अरब साल पहले सोलर सिस्टम आज की तरह था ही नहीं, वो हमारे लिए सोलर सिस्टम की एक शुरुआत भर थी।
तब था गैस और धूल का एक बादल जो अपने ही भीतर कोलैप्स हो रहा था। इसने बीचों बीच एक सूरज बनाया, एक बड़ी सी सपाट डिस्क जिससे सारे प्लैनेट बन पाए। गैलेक्सी में तरह तरह के धूल के विशाल बादल तैर रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये आपस में कोलैप्स हुए और उन्होंने नए स्टार्स बनाए? शायद बादल को एक झटके की जरूरत थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये झटका एक भीषण धमाके ने दिया था, एक सुपरनोवा ने। सुपरनोवा यूनिवर्स की सबसे ताकतवर घटनाएं होती हैं। एक धमाका पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा रोशनी कर सकता है। तो सुपरनोवा से ना सिर्फ एलिमेंट्स और चीजें बाहर निकलती हैं, बल्कि बहुत सारी लाइट और एनर्जी भी निकलती है। एक सुपरनोवा धमाका एक शॉक वेव भेजता है जो स्पेस में करीब 28,800 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। अगर पास में कोई सुपरनोवा है तो उसकी शॉक वेव से मटेरियल कंप्रेस हो जाता है, इसके बाद वो अपनी ही ग्रेविटी से कोलैप्स होता है। क्या इसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई होगी? अब तक इस बात के सुराग को खोजना बहुत ही मुश्किल था कि किसी सुपरनोवा धमाके से ही हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई होगी। प्राचीन सुपरनोवा धमाका बहुत वक्त पहले ही मध्यम पड़ चुका था। कल्पना कीजिए कि ये क्राइम सीन है। अब जरा ये कल्पना कीजिए कि क्राइम हुए 4.6 अरब साल हो चुके हैं और अब आप टाइम सीन को देख रहे हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? तो ठीक इसी तरह की बात है इस मामले में। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इस प्राचीन क्राइम को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। वो ऐसे एस्ट्रॉइड की स्टडी कर रहे हैं जो धरती पर मीटियोराइट्स की तरह आए थे। एस्ट्रॉइड्स के जरिए शुरुआत सोलर सिस्टम को समझा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकदम शुरुआती सोलर नेबुला में जो भी हालात थे, यानी 4.5 अरब साल पहले, उन्हें उन्होंने वैसा का वैसा संभाल कर रखा है। एस्ट्रॉइड में उस वक्त की जानकारियां समाई हैं, जब सूरज और सोलर सिस्टम का जन्म हुआ होगा। जब भीम का स्टार का जीवन सुपरनोवा के रूप में खत्म होता है तो उससे प्रोसेस होती है जिसे हम न्यूक्लियोजेनेसिस कहते हैं। असल में हम उसे कहते हैं धमाकेदार न्यूक्लियोजेनेसिस। ये जो धमाका है, ये एक नई तरह के न्यूक्लियाई, नए एलिमेंट्स, भारी एलिमेंट्स तैयार करता है। पता चला कि ये वो कैसे एलिमेंट्स बनाता है, ये धमाके वाले स्टार पर निर्भर करता है। मिनेसोटा टीम ने कंप्यूटर सिमुलेशन चलाकर ये पता लगाया कि जब सूरज से 12 गुना ज्यादा मास वाले स्टार में धमाका होता है तो कौन से एलिमेंट्स बनते हैं। इसके बाद उन्होंने नतीजों की तुलना उन एलिमेंट से की जो सोलर सिस्टम की शुरुआत वाले एस्ट्रॉइड्स में मिले हैं। नतीजे मैच हो गए। सुपरनोवा के बचे हुए हिस्से उन तमाम एलिमेंट्स में मिलते हैं जो सदियों से हमारे सोलर सिस्टम में हमारी आंखों के सामने मौजूद रहे हैं और शायद धरती में भी। धरती पर बहुत सारी चट्टानें ऐसी हैं जो सिलिकॉन से बनी हैं। ये सिर्फ सुपरनोवा धमाकों में ही बना था। और धरती का जो कोर है, जो हमें जिंदा बनाए रखता है, वह आयरन, निकल, ये वो तत्व हैं जो केवल सुपरनोवा धमाकों में ही बने हैं। फरवरी 2021 में साइंटिस्ट ने उन सुपरनोवा धमाकों पर रोशनी डाली जिनसे हमारा सोलर सिस्टम बना होगा और धरती को बनाने वाले मटीरियल आए होंगे। रिसर्चर्स ने एक विशाल स्पेस रॉक वियेस्टा से निकले हिस्सों की जांच की। ये 4.5 अरब साल पहले हुए धमाके में धरती पर आ गई थी। एस्ट्रॉइड के इन हिस्सों में एक नहीं बल्कि कम से कम 2 सुपरनोवा धमाकों की निशानियां छुपी हुई है। हमारा सोलर सिस्टम कम से कम 2 सुपरनोवा धमाकों से बना हुआ है। ये कमाल की बात है कि इनसे ही जीवन की जरूरी चीजें यहां पृथ्वी पर आई हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि इन 2 सुपरनोवा ने शुरुआती सोलर सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को एनरिच किया होगा। एक से ऐसे मटेरियल आए होंगे जिससे बाहरी गैस प्लैनेट बने होंगे, दूसरे सुपरनोवा से अंदरूनी सोलर सिस्टम में वो एलिमेंट्स आए होंगे जिनसे पथरीले प्लैनेट बने होंगे, इनमें धरती भी शामिल है।
साइंटिस्ट मानते हैं कि वो बता सकते हैं कि कौन से सुपरनोवा इसमें शामिल रहे होंगे। एक था कोर कोलैप्स सुपरनोवा, एक विशाल स्टार जो शायद उसी स्टेलर नर्सरी में रहा होगा जिसमें हमारा सूरज था। उसका ईंधन खत्म हो गया और वो धमाके के साथ अपने भीतर कोलैप्स हो गया। हम मानते हैं कि इस सुपरनोवा ने ही बाहरी सोलर सिस्टम बनाया होगा, जबकि दूसरा रहा होगा टाइप 1A सुपरनोवा। ये एक छोटे वाइट ड्वार्फ स्टार से शुरू हुआ होगा जिसने दूसरे स्टार को खा लिया होगा। हम मानते हैं कि एक वाइट ड्वार्फ का एक साथी स्टार रहा होगा। वो या तो एक और वाइट ड्वार्फ ही रहा होगा या फिर एक बड़ा स्टार, और वाइट ड्वार्फ ने अपने साथी स्टार में मटेरियल को जोड़ दिया होगा। अगर उनका मास कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो उनकी डेंसिटी क्रिटिकल हो जाती है और इसकी वजह से एक भयानक सुपरनोवा धमाका शुरू होता है। टाइप 1A सुपरनोवा बहुत जोरदार ताकत से फटा होगा जिससे पूरे इंटरस्टेलर स्पेस में मटेरियल फैल गया होगा। इस तरह गैस क्लाउड के बीचों बीच तक एलिमेंट्स पहुंच गए होंगे जहां आगे चलकर अंदरूनी पथरीले प्लैनेट्स बनने वाले थे। एक बार फिर हमारा भविष्य एक चांस पर आकर टिक गया था। एक के बाद एक बेमिसाल और भयानक सुपरनोवा धमाकों ने सोलर सिस्टम को बनाया और उसे एक शुरुआत दी, वो एलिमेंट्स दिए जिनसे प्लैनेट्स बने, और इसने हमारे भविष्य के घर को भी तबाह नहीं किया। सुपरनोवा के इतने करीब होना खतरनाक होता है क्योंकि वो आपके प्रीस्टेलर क्लाउड्स की धज्जियां उड़ा सकता है। हम इतने दूर भी नहीं थे कि इससे हमें अच्छे मटेरियल नहीं मिल सके। सुपरनोवा ने ना सिर्फ रचना की बल्कि उसने तबाही भी मचाई। उसने दोनों तरफ के रोल निभाए। हमारी किस्मत अच्छी थी, कहानी का ये चैप्टर अच्छी तरह खत्म हुआ। सोलर सिस्टम को वो इंग्रेडिएंट्स मिले जिनसे उसने प्लैनेट्स का निर्माण किया। धरती एक बहुत बढ़िया जगह बनी, एक स्टार के करीब। भविष्य सुनहरा नजर आ रहा था, पर तभी इतिहास का एक सबसे बड़ा बम धरती से आकर टकराया। जब से हमारी ये धरती बनी है तब से लगातार हमले हो रहे हैं। सन 2021 में आग के गोले ने पूरे यूरोप के आसमान को रोशन कर दिया। सन 2018 में 1500 टन का एक मीटियोर बेरिंग सी में आकर गिरा। इसमें एक एटम बम से 10 गुना ज्यादा एनर्जी थी। सन 2013 में एक एस्ट्रॉइड रूस में आकर गिरा जिससे करीब 1000 लोग घायल हो गए। रोजाना धरती से कई एस्टेरॉइड्स टकराते हैं। आप रात के आसमान में उन्हें टूटे हुए तारे या मीटियोर्स की तरह देखते हैं। ये घटनाएं बहुत भयानक और तबाही मचाने वाले होती हैं। पर स्पेस के ये हमलावर कुछ ऐसा भी लाते हैं जिसकी जरूरत हर जीवित प्लैनेट को होती है, वो है वोलेटाइल्स। वोलेटाइल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत हल्के होते हैं और आसानी से यहाँ वहाँ लाए ले जा सकते हैं। इनमें अक्सर गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, सभी हल्के एलिमेंट जो जिंदगी के आधार होते हैं। आज धरती पर इन एलिमेंट्स की भरमार है, पर जब धरती बनी थी तब ये यहाँ नहीं थे। पूरे स्पेस में दूसरे सोलर सिस्टम्स को देखकर हमें ये पता चला कि जो प्लैनेट्स अपने स्टार्स के इतने करीब रहते हैं कि जैसे हम सूरज के करीब हैं, बनते वक्त वो बहुत गर्म और सूखे होते हैं। थोड़ा बहुत पानी यहाँ वहाँ रहता है बस, पर वो काफी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर वोलेटाइल्स होंगे भी तो वो उबल जाएंगे, क्योंकि आपकी सतह पिघली हुई है तो जो भी पानी उस पर रहा होगा वो उबल कर खत्म हो गया होगा। शुरुआती धरती एक सूखा प्लैनेट थी। इस पर जीवन के लिए जरूरी बेशकीमती वोलेटाइल्स मौजूद नहीं थे। ये मटेरियल धरती के बनने के बाद ही इस पर लाए गए होंगे। हम समझते हैं कि वोलेटाइल सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में यहां आए होंगे जब जुपिटर जैसे विशाल प्लैनेट यहां वहां घूमे होंगे और उन्होंने सोलर सिस्टम की चीजों को हिलाकर रख दिया होगा। जब जुपिटर घूमता है तो इसकी ग्रेविटी सारे ऑब्जेक्ट को खींचती है और उनकी स्पीड को बढ़ा देती है। इस तरह वहां पहले ही थोड़ी उथल पुथल हो रही होगी, पर जुपिटर ने उसे सुपरचार्ज कर दिया होगा।
जुपिटर के रास्ते में अनगिनत एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स को धरती से टकराने के लिए भेजा होगा। ये वक्त बहुत ही उथल पुथल का रहा होगा। जितने भी अंदरूनी प्लैनेट रहे होंगे उन सब पर विशाल ऑब्जेक्ट्स की बारिश हो रही होगी, पर जो ऑब्जेक्ट्स तेजी से धरती की तरफ आ रहे थे वो भीमकाय थे। 4 अरब साल पहले विशाल एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स का तूफान धरती से आकर टकराया। कुछ कई किलोमीटर चौड़े थे। वो अपने साथ वोलेटाइल्स लाए, इससे धरती के समुद्र भर गए और इसका एटमॉस्फेयर बनकर तैयार हुआ। इन कॉस्मिक डिलीवरी ने लेने और देने के काम किए। इन टक्करों से एटमॉस्फेयर का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। एक जोरदार बहुत ही ताकतवर टक्कर हो सकती है जो एक छोटे से प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की धज्जियां उड़ा सकती हैं, या फिर कुछ छोटी मोटी टक्करें जिनमें पानी से भरे एस्टेरॉइड्स अपने साथ पानी और वॉलेटाइल्स लाए होंगे, कुछ नए केमिकल्स सतह पर छोड़ गए होंगे जिन्होंने पहले से मौजूद एटमॉस्फेयर को एक नई शक्ल दी होगी। जब आप सोचते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो क्या वो पृथ्वी पर लैंड करेगा? अगर वो लैंड करेगा तो ये देखना है कि क्या वो एक इरोसिव घटना होगी या पृथ्वी से मटेरियल चला जाएगा या फिर वो पृथ्वी पर मटेरियल छोड़ जाएगा। इससे पृथ्वी का फायदा होगा। ये डिटेल बहुत मायने रखता है। जैसे कि टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स का साइज क्या होगा? एक स्टडी से पता चला कि करीब 20 मीटर से 1000 मीटर चौड़े एस्ट्रॉइड एटमॉस्फेयर से कुछ लेते नहीं बल्कि उसे चीजें देकर जाते हैं। और टक्कर के वक्त स्पीड भी मायने रखती है। एस्टेरॉइड सूरज का चक्कर लगाते हैं और जब वो सूरज की तरफ गिरते हैं तो उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आप एक स्पाइरल वेल में एक सिक्का डाल रहे हैं। जैसे ही सिक्का बीच वाले हिस्से में पहुंचता है उसके घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। एक एस्ट्रॉइड जितना सूरज के करीब पहुंचता चला जाता है सूरज का ग्रेविटेशनल खिंचाव उतना बढ़ता चला जाता है और एस्ट्रॉइड की स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। आप स्टार के कितने करीब हैं इससे तय होता है कि वो टक्कर कितनी भयानक हो सकती है। ये मुमकिन है कि पृथ्वी अपने होस्ट स्टार से एकदम सही दूरी पर रही होगी, इसलिए जब टक्कर हुई होगी तो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं रही होगी। एकदम सही एनर्जी और सही स्पीड रही होगी जिससे सब एकदम ठीक रहा होगा। सुपरनोवाज सोलर सिस्टम को वो एलिमेंट्स देते हैं जिनसे वो प्लैनेट्स बना सके। एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स ने धरती की सतह पर वोलेटाइल केमिकल्स जमा कर दिए। इन दोनों ने मिलकर रहने लायक माहौल तैयार किया। पृथ्वी पर अगर जीवन आना था तो इन टक्करों की बहुत जरूरत थी। तो मुसीबतों ने एक प्लैनेट बनाया जहां जीवन शुरू हो। पर ऐसा लगता है कि जीवन की शुरुआत करने के लिए इससे भी ज्यादा उथल पुथल और गड़बड़ी की जरूरत थी। एक एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम को चीरते हुए आया। उसकी स्पीड 64,000 किलोमीटर पर आवर थी और वो आ रहा था धरती से टकराने। क्या ये स्पेस रॉक भयानक तबाही मचाकर रख देगी या फिर इससे फूटेगी जीवन की चिंगारी? ये जो जीवन की चिंगारी वाली बात है वो हमने फ्रैंकनस्टाइन मूवी में देखी है। वो जिंदा है। ये बात एक लेजेंड या मिथ से आई है। जैसे कि एक तरह की चिंगारी ने ठंडे बेजान पड़े मैटर को जीवन से भर दिया होगा पूरी तरह से, और एक तरह से ये बात सही भी है। हम ये मानते हैं कि धरती पर ये चिंगारी 4 अरब साल पहले आई होगी। हेडियन इयोन वो समय है जब धरती बन रही थी। करीब 4.6 अरब साल पहले का समय है। वहां से 4 अरब साल पहले तक का समय इसका नाम हेडीज रखा गया है क्योंकि उस समय धरती के हालात सचमुच नर्क जैसे थे। धरती बहुत गर्म और तरल थी। पानी की बहुत सारी भाप मौजूद थी। ऊंचे प्रेशर वाला एक एटमॉस्फेयर था। अगर होता भी तो धरती उसे खत्म कर देती। ये वाकई शॉकिंग है।
सचमुच ये हैरत की बात है कि धरती पर जीवन की शुरुआत के सबूत हेडियन ईयोन के समय के हैं। तब धरती का रूप भयानक था, वो पिघली हुई और जहरीली थी, भयानक थी, और किसी तरह जीवन इस खौफनाक समय में भी पनप गया। जून 2020 में जापानी साइंटिस्ट ने ऐसे नरकीय प्लैनेट के हालत को सिमुलेट किया। उन्होंने जीवन की चिंगारी को रिक्रिएट करने की कोशिश की। तो साइंटिस्ट उन हालात को तैयार कर रहे थे और देख रहे थे कि जब कोई मीटियोराइट आकर समुद्र से टकराता है तो क्या वो वही केमिकल्स तैयार करेगा जिनका इस्तेमाल जीवन आज कर रहा है। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पानी और आयन के मिक्स का इस्तेमाल किया हेडियन एनवायरनमेंट की नकल तैयार करने के लिए। फिर उन्होंने करीब 3200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस केमिकल सूप में एक मिनी मीटियोर फायर किया, जिससे बेसिक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बीच एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई और बने अमीनो एसिड्स। हम अमीनो एसिड्स को जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ये सचमुच प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो जीवन को बचे रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, इसलिए इनका महत्व बहुत ज्यादा है। बिना अमीनो एसिड्स के प्रोटीन नहीं होंगे और बिना प्रोटीन्स के धरती पर जीवन नहीं होगा। इन एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया कि मीटियोराइड की टक्कर ने जीवन के जरूरी तत्व तैयार करने में मदद की होगी, पर इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के आपस में मिलकर जीवन तैयार करने के लिए अभी और चीजों की जरूरत थी। ये केक बनाने जैसा है। आप एक साथ ऑयल, आटा, बटर और शुगर सब मिला सकते हैं, पर जब तक आप इसे अवन में नहीं डालेंगे केक नहीं बनेगा। बस जीवन के लिए भी एक ऐसी ही जरूरत थी। हमने सोचा था कि एस्ट्रॉइड की टक्कर से जो उथल पुथल हुई उससे जीवन बनने में अड़चन आई होगी। आज हमें लगता है कि ये जीवन के लिए जरूरी बन गए थे। अगर एस्टेरॉयड की टक्कर बड़ी और फास्ट हो तो वो सीधे क्रस्ट तोड़कर नीचे आ सकता है। इस तरह जियोथर्मल हीट पैदा होती है, वो गर्मी जो मेंटल में बुलबुले पैदा कर देती हैं, और एस्टेरॉयड की इतनी बड़ी टक्कर सचमुच मुमकिन है। विशाल मीटियोराइड की टक्कर से हाइड्रोथर्मल विंड बन सकते हैं, और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यही जीवन के पालने रहे हैं। इनसे एक नर्म और गर्म एनवायरमेंट बना और धरती की गहराई में क्रस्ट से केमिकल्स बाहर आए, यानी जीवन शुरू करने के लिए एकदम सही जगह। हमें ये हालात बहुत ही भयानक लगते हैं, पर इसी समय मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लगे और अपना काम शुरू करने लगे, यानी धरती एक कमाल की जगह बन गई थी। सच ये है कि टक्कर के ठीक बाद ऐसे हालात बन गए थे जो दरअसल शुरुआती जीवन जी लिए उनके लिए सबसे अच्छे थे। तो ये एक तरह से पेट्री डिश एनवायरमेंट था जिसमें जीवन खूब फला फूला होगा। ये वेंट्स वैसे ही रहे होंगे जैसे हम आज अपने समुद्रों में देखते हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स हमें एक झलक दिखाते हैं कि प्राइमोर्डियल अर्थ के वक्त हालात कैसे रहे होंगे। हमें वो केमिस्ट्री भी दिखाते हैं जो इन हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स में जारी हैं। शायद यही वो परफेक्ट केमिस्ट्री थी जिसने जीवन को शुरू किया होगा। एक बार फिर धरती खुशनसीब निकली। जिन टक्करों से सब कुछ तबाह हो सकता था, उन्हीं ने जीवन की चिंगारी शुरू करने में मदद की। एक बार मैंने कन्फ्यूशियस की एक कोट सुनी, रचना शांति से होती है जबकि तबाही शोर मचाकर होती है। और ये जो टक्करें थी, इन्होंने तबाही तो मचाई पर रचना भी की। धरती हेडियन एज से आगे चली आई, प्लैनेट शांत हो गया, जीवन ने अपनी जड़ें गहरी कर ली, पर मुसीबत सदा हमारे साथ ही रही है। अब हमें सामना करना था भयानक कॉस्मिक बुलेट्स के हमले का। यूनिवर्स जीवन के लिए एक खतरनाक जगह है, यहां एस्ट्रॉइड टकराते हैं, ब्लैक होल्स है, फटते हुए तारे हैं, पर हमारी नंबर वन दुश्मन रही है कॉस्मिक रेज, भयानक एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो बहुत उथल पुथल वाली घटनाओं से बनते हैं।
और ये तीन तरह के होते हैं। सोलर रेडिएशन असल में सूरज से होने वाले चार्ज पार्टिकल्स हैं। दूसरी है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज। ये उन एटम के फ्रैगमेंट्स हैं जो सुपरनोवा से बाहर निकलते हैं और जिनकी स्पीड तकरीबन लाइट जितनी हो गई है। और इसके बाद आती है अल्ट्रा हाई एनर्जी वाली कॉस्मिक रेज। हम मानते हैं कि ये मिल्की वे से बाहर से आती हैं। स्पेस में इतनी सारी कॉस्मिक रेज की वजह से यूनिवर्स एक बहुत खतरनाक जगह बन जाती है। कॉस्मिक रेज बहुत ही छोटी होती हैं, पर ये बहुत फास्ट होती हैं, तकरीबन लाइट की स्पीड जितनी फास्ट, और ये आपके डीएनए में घुसकर तबाही मचा सकती हैं। इंसान डीएनए से बना है, अगर यही डीएनए टूट जाता है तो सोचिए क्या होगा। इससे कैंसर हो सकता है और मौत हो सकती है। पहली नजर में ये कॉस्मिक रेज जीवन के लिए सबसे भयानक नजर आती है, तबाही मचाने वाली। अपने इस भयानक रूप के बावजूद कॉस्मिक रेज ने जीवन के क्रमिक विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सन 2020 में न्यूयॉर्क और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट ने ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जांच की जिनके ट्विन होते हैं, मिरर इमेज वर्जन्स, जिन्हें कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। केमिस्ट्री में कायरलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब दो मॉलिक्यूल्स, दो केमिकल्स जो दिखने में एक जैसे हों, वो बिल्कुल एक जैसी चीजों से बने हों, पर उनका ढांचा अलग अलग हो, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। हम इसे हैंडेडनेस कहते हैं। अब देखिए, ये रहा मेरा दाहिना हाथ जिसमें मेरा अंगूठा यहाँ पर है, ये रहा मेरा बायां हाथ जिसका अंगूठा यहाँ पर है, यानी मैं अपना बायां दस्ताना दाहिने हाथ में नहीं पहन सकता, मैं इन दोनों को एक जैसा नहीं बना सकता चाहे जो भी कर लूं। और ये बात सिर्फ हाथों के लिए ही सही नहीं है, बल्कि ये सही है बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जैसे कि अमीनो एसिड्स या शुगर्स, जो धरती पर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स या आधार की तरह है। अरबों साल पहले शुरुआती जीवन में राइट और लेफ्ट हैंडेड दोनों तरह के डीएनए और आरएनए रहे होंगे, पर आमतौर पर जीवन राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स को चुनता है, और शायद इसकी वजह रही होगी कॉस्मिक रेज। जब कॉस्मिक रेज धरती के एटमॉस्फेयर से टकराती हैं, ये और भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बदल जाती हैं, जिन्हें म्यूऑन्स कहते हैं। ज्यादातर म्यूऑन्स एक ही दिशा में घूमते हैं। तो छोटे छोटे म्यूऑन्स हैं जो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और जो एक खास तरह से घूमते हैं। जब वो किसी मॉलिक्यूल से टकराते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसे तबाह करते हैं, उसे बदल भी सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि घूमते हुए ये म्यूऑन्स राइट हैंडेड डीएनए और आरएनए के साथ ज्यादा आसानी से इंटरैक्ट करते हैं और उनमें बदलाव लाते हैं। कुछ म्यूटेशन या बदलाव फायदेमंद होते हैं, पर उन्हें चांस मिलना चाहिए। अगर आपके पास राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स और लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों से म्यूऑन्स टकरा रहे हैं, तो जिस पर टक्कर ज्यादा बड़ी होती है उसमें फायदेमंद बदलाव के चांस ज्यादा होते हैं। कॉस्मिक रेज ने राइट हैंडेड लाइफ को क्रमिक विकास में फायदा दिया, लेफ्ट हैंडेड लाइफ मुकाबला नहीं कर पाई। ये पासा फेंकने की तरह है, अगर आप डबल सिक्स पाने की कोशिश करते हैं और लेफ्ट हैंड को सिर्फ 10 बार फेंकने का मौका मिलता है जबकि राइट हैंड को 100 बार फेंकने का मौका मिलता है, तो राइट हैंड को डबल सिक्स हासिल करने का ज्यादा मौका मिलता है। पर पासा हमारे मन माफिक नहीं आता। 35.9 करोड़ साल पहले धरती की किस्मत ने बुरी पलटी खाई और कॉस्मिक रेज ने वो किया जिसके लिए वो जानी जाती है, यूनिवर्स की सबसे खराब पार्टिकल। धरती के समुद्रों में मरीन लाइफ की भरमार है और इस समय तक कॉन्टिनेंट्स और जमीनी हिस्सों पर पौधे उगने शुरू हो गए थे, जिससे जानवर, इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स वगैरह भी आ रहे थे। और बिल्कुल इसी माहौल में धरती ने अपने इतिहास का एक सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन देखा था। इस तबाही में 97% वर्टिब्रे स्पीशीज खत्म हो गई थी। इस तबाही को हम जानते हैं एंड डिवोनियन एक्सटिंक्शन के नाम से। इसकी वजह से बना था एक सुपरनोवा।
जब कुछ मरते हुए स्टार्स में धमाका हुआ तो उससे बहुत सारी कॉस्मिक रेज निकली। इस रेडिएशन ने धरती के अपर एटमॉस्फेयर पर भारी बमबारी की और इसी की वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल गया। इसके बाद इस गैस ने ओजोन लेयर के साथ एक रिएक्ट किया और उसे तबाह कर दिया। सुरक्षा देने वाली ओजोन लेयर के खत्म होने से सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने धरती की ओर बमबारी कर दी। हजारों साल तक ये रेडिएशन जारी रहा जिससे पौधों और जानवरों के डीएनए तबाह हो गए। कई प्रजातियां खत्म हो गई। एंडिवोनियन मास एक्सटेंशन का ज्यादातर असर समुद्री जीवों पर पड़ा था। समुद्र में ही हमने सबसे ज्यादा मौतें देखी। समुद्र में जहां कभी स्कूल बस के आकार की मछलियां होती थी वहां अब सार्डिन जितनी छोटी मछलियां ही रह गई थी। ये छोटी मछलियां तेजी से अपनी तादाद बढ़ाती हैं और मुश्किल एनवायरनमेंट में वो बड़ी किस्मों के बजाय खुद को आसानी से ढालकर फैला लेती हैं। मास एक्सटेंशन धरती से जीवों का पूरा सफाया कर देता है पर ये दूसरे जानवरों और लाइफ फॉर्म्स को एक मौका भी देता है। ये एक तरह से अफरा तफरी भरा पेचीदा एनवायरनमेंट तैयार करता है जिसमें नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन का सिलसिला शुरू होता है। अगर इस महातबाही के लिए एक सुपरनोवा जिम्मेदार था तो वैज्ञानिकों का मानना है कि वो हमसे 65 लाइट ईयर दूर था। अगर वो जरा भी करीब होता तो धरती की किस्मत पूरी तरह बर्बाद हो जाती। धरती पर जीवन हमेशा चाकू के धार पर ही टिका रहा है। अगर किसी तारे का धमाका धरती से कुछ ज्यादा ही करीब हो जाए तो सब कुछ तबाह हो सकता है। तो एक बेमिसाल बैलेंस है तबाही के बहुत ज्यादा भयानक या थोड़ा कम होने के। हम खुशकिस्मत हैं कि 4.5 अरब सालों से हम मजे से ऐसे ही जी रहे हैं। इस मास एक्सटिंक्शन ने धरती पर जिंदगी की नई शुरुआत की और चार पैर वाले जीवों का रास्ता तैयार किया जो हमारे दूर के पुरखे बने। महामुसीबतें और इंसानों का क्रमिक विकास एक साथ चलता रहा है। कुछ ने हमें तबाह कर दिया जबकि 6.6 करोड़ साल पहले हुई ये घटना ने हमें क्रमिक विकास की राह पर बहुत आगे ला दिया। 6.6 करोड़ साल पहले एक भीमकाय एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकराया। इससे धरती पर भयानक तबाही मची। इसके बिना इंसानों का विकास हो ही नहीं सकता था। ये वो समय था जब धरती पर विशाल पौधे होते थे, विशाल इंसेक्ट्स होते थे। अगर आज हम इन्हें देख भी लेंगे तो बुरी तरह डर जाएंगे। टेरासोरस हवा में उड़ा करते थे। ये विशाल मरीन रेप्टाइल्स थे जिनका समुद्रों पर दबदबा था और टी रेक्स का तो पूरी दुनिया पर राज था। इसके बाद आसमान में कुछ चमकता हुआ नजर आया। कल्पना कीजिए कि मैं बीच पर बैठा हूँ मेक्सिको में यूकेटन पर और मेरे हाथ में एक छोटा सा ड्रिंक भी है, पर अचानक आसमान में कोई ऐसी चीज नजर आती है जो 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है। समझ लीजिए माउंट एवरेस्ट सूरज से हजारों गुना तेजी से चमक रहा है और कुछ ही सेकंड्स में वो मेरे सिर पर आकर गिर जाता है। करीब 9.5 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकराया। इस टक्कर से खरबों टन धूल और पत्थर हवा में उछल गए। जब पत्थर जमीन पर गिर रहे थे तो बहुत गर्म हो गए थे। इससे धरती आग की लपटों से घिर गई। यानी बीच पर सुकून का वक्त अचानक बुरे सपने में बदल जाता है। इस टक्कर से कालिख आसमान में उछल गई जिससे एटमॉस्फेयर चोक हो गया। आसमान पर ये सारे का सारा मटेरियल छा गया था। अब सूरज उतनी चमक धरती पर नहीं बिखेर सकता था। प्लैनेट्स को फोटोसिंथेसाइज करने के लिए सूरज की धूप चाहिए। एनर्जी के इस जरूरी सोर्स के बिना कई प्रजातियों का सफाया हो गया।
खाने की चीजें खत्म हो गई, तो पौधे खाने वाले डायनासोर भी भूख से मरकर खत्म हो गए। इसके बाद मरे उनके हमलावर। इस तरह धरती पर जीवन बुरी तरह से खत्म हो रहा था। डायनासोर्स इस धरती पर 16 करोड़ सालों तक थे, ये कोई छोटा वक्त नहीं है, लेकिन एक चुटके में उनका सफाया हो गया। इसके बाद फिर किस्मत ने हमारा साथ दिया, ज्यादातर डायनासोर्स का सफाया हो गया था। इसके बाद मैमल्स का रास्ता साफ हुआ और क्रमिक विकास ने बनाया इंसानों को। एस्ट्रॉइड की ये टक्कर ना हुई होती तो इंसान धरती पर नहीं होते। धरती पर जो फरी प्राइमेट आए वो उस एस्टेरॉयड की टक्कर के बाद आए, तो हमारा वजूद भी उनकी वजह से है, हम सबका। कुछ पौधों को एस्ट्रॉयड की इस टक्कर का फायदा हुआ। ये जानने के लिए कि पौधे इस टक्कर के बाद किस तरह बदले, स्मिथसोनियन के साइंटिस्ट ने हजारों ट्रॉपिकल पौधों के फॉसिल्स की उनके खत्म होने के समय से स्टडी की। इस मुसीबत ने नए तरह के पौधों के विकसित होने का रास्ता तैयार किया। पौधों की दुनिया बदल चुकी है, अब एक समृद्ध और विविधता से भरा हुआ इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। एस्ट्रॉइड के हमले से पहले साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कॉनिफर और फर्न छाए हुए थे, पर टक्कर के बाद गिरने वाली राख ने मिट्टी को और उपजाऊ बना दिया और इसके बाद फूलों वाले पौधों की बहुतायत हो गई। इस भयानक टक्कर से उबरना बहुत मुश्किल था, पर इससे पौधों की दुनिया में और ज्यादा विविधता का रास्ता तैयार हुआ और इसका फायदा आखिर में इंसानों को मिला, क्योंकि इससे हमारे खाने के स्रोत बढ़ गए। इस नए माहौल से तैयार हुआ आज का अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहां सारी दुनिया की 10% प्रजातियां रहती हैं। इसने हमारे पूरे एनवायरनमेंट को तबाह करके फिर से तैयार किया। बहुत से बदलाव हुए, फिर आज की दुनिया बनी, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। और हो सकता है अगला युग करीब ही हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में फिर से ऐसा होगा, पर इसके लिए अपनी नींद नहीं उड़ानी चाहिए। पर याद रखिए, आगे चलकर एक और मास एक्सटेंशन होने वाला है। हो सकता है उसके बाद इंसानों का सफाया हो जाए, पर परेशान करने वाला सवाल यह है कि जब इंसान खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद धरती पर क्या होगा। हो सकता है कि ये महामुसीबतें पूरे कॉस्मोस में यूनिवर्स का तरीका हो जीवन को बाहर लाने का, और हर प्लेनेट पर इसका असर होता है। अगर हम अपना इतिहास देखें तो पाएंगे कि इन तबाहियों के बाद जीवन फला फूला है। क्रमिक विकास या एवोल्यूशन के लिए तबाही जरूरी है। और मैं बहुत सोच समझकर ये बात कह रहा हूँ कि दूसरे प्लेनेट ने भी शायद इस तरह की तबाही का सामना किया होगा। जब हम मुसीबत की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ बुरा है, गलत है, ये कुछ ऐसा है जो खतरनाक है, पर हम मुसीबतों से ही बने हैं। अगर प्लैनेट्स की टक्कर नहीं होती तो इंसान बनते ही नहीं। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स का बहुत बड़ा योगदान है हमारे एटमॉस्फेयर को बनाने में। स्टार्स में धमाका नहीं होता या सुपरनोवास नहीं होते, हम इन महामुसीबतों से ही बने हैं। हम कॉस्मोस में ऐसे ही माहौल में पले बढ़े हैं। मेरे ख्याल से इन मुसीबतों की अपनी खूबसूरती है।